गरीबों का लकड़ी शौचालय। मानपुर नाम का एक बेहद ही पिछड़ा और गरीब गांव था, जहां सैकड़ों संयुक्त परिवार एक साथ रहा करते थे। उस गांव में कोई किसी का बैरी नहीं था, इसलिए मानपुर गांव के लोग एक दूसरे के प्रति मिलनसार व्यवहार साझा करते थे। मनसुख, जो कि मानपुर गांव के मुखिया थे, अपने परिवार के साथ रहा करते थे। आज उनकी बेटी आद्य विलायत से अपने गाँव लौट रही थी, इसीलिए पूरा गाँव फूल पत्तियों से सजाया जा रहा था। अरे बस भी करो, और कितना सजाओगे इस गांव को? अरे मुखिया जी, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हम गरीबों के बस की बात होती तो ये पूरा गांव सितारों की तरह जगमग करता। अचानक पूरे गांव की नज़र हाथों से लगेज लेकर चली आ रही आध्या पर जाती है, जिसे देखकर मनसुख की आंखें नम हो जाती हैं। अरे मेरी बेटी आ गई तो। आध्या झट से झुककर अपने पिता के पांव छूकर उसे प्रणाम करती है, जिसे देखकर पूरा गांव आध्या के स्वभाव की बड़ाई करते हुए बोलता है, देख लीजिए मुखिया जी, इतने बरस बिलायत में रहकर भी आध्या बेटी बिल्कुल भी नहीं बदली, अपने माटी का मोल आज भी रखे हुए है। काका, मैं भले ही देश से दूर थी, मगर मेरी दिल लगी अपने गाँव के प्रति मेरा मन आज भी एक सा है। पूरा गांव गढ़ आद्या के आने की खुशी में बड़े उमंग और उत्साह से भर जाता है, और देखते ही देखते रात का अंधेरा घिराता है, जिसके बाद सभी अपने अपने घरों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और भोर के 4 बजे के पहर औरतों का समुदाय रेवा का दरवाजा पीटती है। अरे रेवा चाची, 4 बज गए हैं, चलना नहीं है क्या? चलो आओ जल्दी। अरे हाँ हाँ आ रही हूँ, ठहरो जरा। इतने पर मनसुख की पत्नी रेवा विलायत से आई अपनी बेटी आध्या को उठाने लगती है। आध्या बेटी, आध्या चल उठ, भोर के 4 बज गए, शौच के लिए नहीं चलना क्या? एक बार अंजोरा हो गया तो फिर हमारे कदम रात गिरने तक घर में ही बद हो जाएंगे। आध्या बिना कुछ कहे अपनी माँ रेवा के साथ औरतों की टोली में चल पड़ती है। अरे आध्या बेटी, आज से तुम भी हमारे लोटा पार्टी गैंग का हिस्सा हो। सभी औरतें खाली खेत खलिहान में उतर जाती हैं, मगर आध्या असहज महसूस करती है। ये देखकर सरिता कहती है, अरे आध्या बिटिया, खड़ी रहोगी तो सूरज सर चढ़ जाएगा। अरे जगह टिका कर कहीं भी बैठ जाओ, शर्माओ नहीं, हम सब तो लुगाइयां ही हैं, हमसे कैसा शर्माना। सवेरा होने से पहले सभी औरतें घर लौट आती हैं, मगर आध्या के मन में गाँव में शौचालय की कमी को लेकर सैकड़ों सवाल उपन रहे थे। तभी वह अपने पिता मनसुख से पूछती है, पिताजी इतने बरस बाद मैं गांव लौटी हूँ, बड़े दुख की बात है कि आज भी यहाँ एक भी शौचालय मौजूद नहीं है। अरे कहाँ बताऊँ आध्या बेटी, हजारों दफा सरकार से अर्जी देकर देख लिया, ना तो कोई हमारे गांव में दौरा करने आता है और ना सरकार के सामने हमारी सुनवाई है। ऐसे में हम गरीब गांव वालों के पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं। जहाँ कल है वहाँ हल भी बाबूजी, जमाना तेजी से तरक्की की ओर बढ़ रहा है। पक्के तौर से शौचालय बनाने के लिए एक बड़ी रकम खर्च करनी होगी, मगर बिना रेत बालू सीमेंट के भी सुलभ शौचालय बनाया जा सकता है। ये कैसे मुमकिन है बेटी? विलायत में ज्यादातर घर लकड़ियों के होते हैं, जब इंसान लकड़ी के बने घर में रह सकता है तो लकड़ी से शौचालय क्यों नहीं बना सकता। इसे हमारे समाज की स्त्रियां शौच के दौरान खुद को महफूज तो महसूस करेंगी और खेत खलिहान भी दूषित नहीं होंगे। अरे ये तो बड़ी ही सुनहरी सोच है बेटी, तू चल मेरे साथ। मनसुख अपनी बेटी आध्या को लेकर लकड़हारे बद्री के पास आता है। आध्या बेटी, हमारा बद्री इस गांव का बेहतरीन लकड़हारे के साथ कारीगर भी है। इसके हाथों में लकड़ी का साज सामान बनाने की हस्तकला है। फिर तो बात बन जाएगी। आध्या बद्री से लकड़ी का शौचालय बनाने की बात साझा करती है, जिसे सुनकर बद्री बड़ी बड़ी आंखें किए कहता है, लकड़ी का शौचालय? मगर आध्या बिटिया, मुझे शौचालय का नक्शा अब पूरे तौर से नहीं आता। बद्री काका, जहाँ चाह होती है वहाँ रहा खुद ब खुद बन जाती है। मैं आपको लकड़ी के शौचालय का स्ट्रक्चर समझाऊंगी भी, और इसे बनाने में और गांव का समुदाय आपकी मदद करेगा। सबसे पहले हम जहाँ शौचालय की नींव धरनी है वहाँ गज भर का गड्ढा खोदकर निकासी प्रणाली का पुख्ता प्रबंध करना होगा। अरे तू चिंता मत कर बेटी, गड्ढा खोदने की जिम्मेदारी हमारी। पूरा मानपुर गांव मिलकर लकड़ी का शौचालय बनाने में जुट जाता है। जहां कोई जमीन में गड्ढा खोदने में भिड़ा होता है तो कोई शौचालय का फाटक बना रहा होता है, वहीं बद्री और आध्या पूरे जोश जुनून के साथ शौचालय का सांचा तैयार कर रहे होते हैं।
कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद गरीब गांव वालों की मेहनत रंग लाती है और लकड़ी का सुलभ शौचालय बनकर तैयार हो जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम गरीबों के गांव में शौचालय बनकर खड़ा है। आद्या बेटी, ये तेरी बुद्धि की देन है। काका, मैंने कुछ नहीं किया, ये लकड़ी का सुलभ शौचालय इस पूरे गाँव गढ़ की बड़ी मेहनत का फल है। अगले दिन से गांव का सारा समुदाय उस लकड़ी के शौचालय का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके बाद पूरा गांव सभ्यता की ओर कदम बढ़ाने लगता है। तभी गांव की औरतें आध्या से कहती हैं, आध्या, तुमने आधी उम्र में वो कर दिखाया जो हमारा गरीब गांव ना कर सका। शायद इस गरीबी के दीमक ने हमारे गाँव के गरीबों के दिमाग को अपनी गिरफ्त में संभाल लिया था, इसलिए हमारी सोच यहाँ तक पहुँची ही नहीं। हाँ, जब से ये लकड़ी के शौचालय की नींव हमारे गरीब गांव की धरती पर गड़ी, हम औरतों को खुलेआम शौच की सोच से शर्मसार नहीं होना पड़ता है। देखते ही देखते उस गरीब गांव में बने लकड़ी के सुलभ शौचालय की चर्चा आसपास के सभी गांव में बड़ाई का कारण बन जाता है और कुछ ही दिनों में ये खबर सुर्खियों के साथ सरकार के पास पहुँच जाती है, जिसके बाद मीडिया मानपुर गाँव में आ पहुँचती है। नमस्ते, मेरा नाम निशांत है, मैं मीडिया रिपोर्टर हूँ। आजकल आपके गांव में बना ये लकड़ी के सुलभ शौचालय की खबर चप्पे चप्पे में फैल गई है। कैसे और किन हालातों में आपने ये शौचालय बनाने की सोची? अरे रिपोर्टर साहब, जब सरकार हम जैसे गांव के गरीब लोगों के मुश्किल मुद्दों पर ध्यान नहीं देती, तो अंत में मेरी बेटी आध्या की तरकीब और हमारे गाँव की समझदारी से हमने ये शौचालय बनवाया है। बाबू साहब, हम गरीब का जीवन तो बस ऐसे ही गुजर बसर होता है, क्योंकि सरकार हम जैसे गरीब गांव की मुश्किलों में औंधे मुंह सो जाती है। मीडिया के द्वारा मानपुर गांव का किस्सा आग की तरह धधक उठता है। समय गुजरता है, पूरा गांव अपने आप को लकड़ी से सुलभ शौचालय में ढाल लेता है। 2 बरस बीत जाते हैं, फिर एक दिन सरकार का एक गट बड़े बड़े टूकों में लादे बालू रेत इत्यादि के साथ उस गांव में आकर पक्के शौचालय बनाने का ऐलान करता है। ये सुनकर सभी के चेहरे खिल उठते हैं। भले हमारे गांव में ईंट पत्थर का पक्का शौचालय बन रहा है, मगर हम गरीब गांव वालों के बुरे दौर में ये लकड़ी का बना सुलभ शौचालय हमारे गाँव गढ़ का सारथी ठहरा है, इसलिए ये हमेशा यहीं खड़ा रहेगा। हाँ, इस सरकार का क्या भरोसा, कब हम गरीब पर कहर ढा जाए। फिर पिछले 2 बरस से इस लकड़ी के शौचालय में औरतों की लाज को लुकोए रखा है। हाँ, मैं तुम सभी की बात से सहमत हूँ। भाइयों, इंसान हो या सामान, बुरे वक्त में जो साथ हो उसे अच्छे दिन फिर जाने पर बदलना बेगदरता नहीं। थोड़े दिनों में सभी के घरों में एक सुलभ शौचालय बनकर तैयार हो जाता है। बावजूद इसके अक्सर गांव के लोग उस लकड़ी से बने सुलभ शौचालय का इस्तेमाल पूरे तौर से बंद नहीं करते और सालों बाद भी वह लकड़ी का शौचालय मानपुर की माटी पर बिना टस से मस हुए खड़ा नजर आता है।